हाय फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका चार कुकिंग में। कैसे हो आप सब लोग? त्योहारों का मौसम चालू है तो बाहर से कुछ मिठाई ला नहीं सकते, ऊपर से लॉकडाउन है, तो आज घर पे कुछ ऐसी इजी रेसिपी बनाएंगे। शुरुआत करते मीठे से। आज महाराष्ट्र की खास रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, कंजी पेड़ा। कंदी पेड़ा बनाएंगे आज, तो सबसे पहले बनाएंगे उसके लिए खांड। ये मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है। सौ ग्राम इसमें पानी डालूंगा। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको खांड भी बोलते हैं और बूरा भी बोलते हैं। मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अपने घर पे तैयार करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा बना के रख सकते हैं, लड्डू पेड़ा कोई भी मिठाई में यूज कर सकते हैं। चीनी पूरी मेल्ट होने तक हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा चीनी पूरा गल चुका है। 3 से 4 मिनट इसको चलाते रहेंगे। और लंबे समय तक आप घर पर रख सकते हैं इसको। अपने को एकदम दानेदार खांड बनाने का है। कंदी पेड़े के लिए दानेदार खांड चाहिए। चाशनी अपने को कड़क बनाना है, ये देख सकते हैं आप। और 1 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब अपनी चाशनी बन के तैयार है। अभी गैस को बंद कर देंगे और कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि अपनी खांड में कोई गुठलियाँ ना पड़े। और बाई चांस गुठली पड़ गई तो जो बचा होएगा उसको मिक्सर में पीस लेंगे। अभी गैस बंद कर देंगे और कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। और गुठली पड़ भी गया तो बचे हुए को अपन छान के मिक्सर से निकाल लेंगे। और ऐसे कंटिन्यू चलाते रहिए। अपने को दानेदार खांड चाहिए। आप देख सकते हैं अभी अपनी खांड तैयार होने को आई है। खाली कंटिन्यू चलाते रहिए बस। जब तक पूरा सूखा नहीं हो जाए तब तक चलाते रहना है। आप देख सकते हैं पूरा सूख गया है। आप देख सकते हैं हमारी खांड बन के तैयार है। अभी इसको छान के लेंगे। अभी छलनी में डाल देंगे और छान लेंगे। इसको छान के लेंगे। अभी मिक्सर के जार में डालेंगे। 1 से 2 बार घुमाएंगे। ये हमारा पीस के तैयार है। हमारी खांड बन के देखिए तैयार, एकदम दानेदार। लंबे समय तक आप घर पे रख सकते हैं। कभी भी पेड़ा लड्डू बनाए तो उसमें यूज कर सकते हैं। दानेदार है एकदम। ये हमने पीतल का कढ़ाई लिया है। कंदी पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा दूध, और दूध हमें गाय का लेना है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है।
इसका मावा बनाएंगे, खवा बनाएंगे। के जगह मावा बोलते हैं, के जगह खवा भी बोलते हैं। लेकिन कंदी पेड़े के लिए गाय का ही दूध चाहिए उसमें। अब इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसका खवा निकाल लेंगे। दूध को उबाल आ गया है, अपने को कंटिन्यू चलाते रहना है। हलवाई जैसे बनाते हो इस प्रकार से आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कंदी पेड़े के लिए गाय का दूध ही चाहिए और कंटिन्यू चलाते रहिए बस। इसका चौथा हिस्सा रहने तक अपने को खवा निकालना है। इसका मावा तैयार करने के लिए आधे से पौन घंटा लगेगा अपने को। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जो भी मेरी नई रेसिपी आएगी तो सबसे पहले आपको दिखेगी। और 15 से 20 मिनट लगेगा, कलर भी चेंज होने लग गया। अभी गाय का दूध का पेड़े का स्वाद ही अलग रहता है। खाली नीचे लगे नहीं, बस कंटिन्यू हिलाते रहना है अपने को। अभी आप देख सकते हैं गाढ़ा होने लग गया है। गैस फास्ट रखने का है, अभी स्लो नहीं करने का अपने को। कंटिन्यू चलाते रहिए कि नीचे लगे नहीं, क्योंकि लग गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और कंदी पेड़े का नेचुरल कलर कैसा आता है आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। घर पे बनाने से मेहनत तो लगती है, लेकिन घर की जैसी मिठाई बाहर नहीं मिलती है मार्केट में। मेहनत ज़रूर है उसमें, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। आप देख सकते हैं हमारा खवा तैयार होने को आया। अभी अभी गैस को कम करके सेकेंगे। चार चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे, लेकिन एक साथ में नहीं डालेंगे, एक एक चम्मच करके चार बार डालेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको जब तक पका के लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होए। अभी मैंने एक ही चम्मच घी डाला है, का कलर पूरा चेंज होने तक अपने को पकाना है। अभी गैस एकदम कम करके रखना है। फिर से घी डाला है, फिर से चलाते रहेंगे। और 10 मिनट लगेगा पकाने के लिए। अभी 50% सिक गया है, अभी फिर से इसमें घी डालेंगे। 3 चम्मच घी हो गया डाल के, फिर से सेकेंगे। अभी 1 चम्मच घी और डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे अभी। और 3 से 4 मिनट सेक के लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारा खवा सिक्के तैयार है। कढ़ाई को चिटकता नहीं, बोले तो सिक्के तैयार है। अभी गैस बंद कर देंगे, इसको 50% ठंडा करके लेंगे।
एक खवे का नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कुछ भी मिलावट नहीं किया है। आपके सामने देख लिए कितना ब्राउन हो गया। कंजी पेड़े बनाने के लिए ऐसा ही खवा चाहिए, ब्राउन कलर का प्योर। मैंने गाय के दूध में बनाया है और आप भी गाय के दूध में बनाइए। अभी इसको 50% ठंडा करके लेंगे, पूरा ठंडा नहीं करेंगे, 50% ठंडा करेंगे। हमारा 50% ठंडा होकर तैयार है, आप देख सकते। साइड से पूरा निकाल लेंगे खवा। हमने साइड का पूरा निकाल लिया है। 2 लीटर का 300 ग्राम खवा बन के तैयार है अपना। थोड़ा ग्रीन इलायची पाउडर डालेंगे और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा जायफल का पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी 100 ग्राम बूरा डालेंगे, जो खांड बोलते हैं, जो हमने बनाया है वो डालेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है किसको कम, तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारा मिक्स करके तैयार है। अभी पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। जो साइज़ का पेड़ा चाहिए वो साइज़ का पेड़ा बनाएंगे। आप चाहिए तो हल्के हाथ से प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गोले रखने वाला हूँ। ये साइज़ के बनाए मैंने। ये जो बूरा अपना खांड का, उसमें डिप करेंगे, प्लेट में लगा देंगे। ऐसे करके एक एक सब पेड़ा बना के लेंगे। ये तरीके से सब एक 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 करके पूरे पेड़े तैयार करेंगे। ऊपर से ज़रा बूरा लगाएंगे, प्लेट में लगाएंगे। त्योहारों का मौसम चालू है, आप मिठाई का रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।